नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आशीष पटेल का संस्कार गार्डन में हुआ आगमन। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आशीष पटेल का संस्कार गार्डन में आगमन हुआ। बता दें कि अफीम कोठी नामांकन के आज आखिरी दिन में विश्वनाथगंज से संजय पांडे, जीतलाल पटेल भाजपा अपना दल प्रत्याशी विश्वनाथगंज प्रतापगढ़ सीट से राजेंद्र मौर्य, राजवानल प्रताप सिंह आदि तमाम लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वहीं सपा समर्थकों ने संजय पांडे के कार्यालय पर लगाए अखिलेश यादव मुर्दाबाद और समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद के नारे। बता दें कि प्रतापगढ़ में सियासी भूचाल है। जिला अधिकारी प्रतापगढ़ नितिन बंसल, पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंकित के अलावा प्रेक्षक पल पल की निगरानी लेते रहे हैं। वहीं ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। प्रतापगढ़ से अवनीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। दो सौ 47 विधानसभा विश्वनाथ में क्या मुद्दे होंगे इस बार जो है चुनाव? सबका साथ सबका विकास। इस बार पार्टी ने कार्यकर्ता को विश्वनाथगंज से जो है अपना उम्मीदवार बनाया, उसे लड़ा रहे हैं, क्या मानते हैं इसे पार्टी किस तरीके से चुनाव आप लड़ेंगे? पार्टी को हम एक गरीब कार्यकर्ता को पार्टी ने लड़ाने का मौका दिया, यह एक सपने से कम नहीं है। हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो काम किया है पार्टी के लिए, सभी पार्टियों में एक मिसाल बनेगी कि जो कार्यकर्ता काम करता है आज नहीं तो कल उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा और कार्यकर्ताओं में हताशा नहीं आएगी। इससे हर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पार्टी में लगन और मेहनत से काम करेंगे और उस पद पर जाने के बाद पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ देश की सेवा करेंगे और राष्ट्र की भी। जेठलाल जी, हमें एक बात ये बताएं कि आप विश्वनाथगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन आपने कभी किसी के दरवाजे पे गए नहीं, न प्रचार के माध्यम न किसी माध्यम से, कैसे आपको इस चुनाव को जीतेंगे? हम जब से पार्टी बनी है पूरे जिले में हर जगह गया हूँ, एक एक घर गया हूँ। 28 साल का हमारा दल का जो कार्य है वो हम अपने विधानसभा ही नहीं पूरे प्रतापगढ़ जिले में हर जगह गया हूँ, हर गांव में गया हूँ, हर गली में गया हूँ, हर कूचे में गया हूँ। इस बार वहाँ के जो कमियाँ हैं कैसे आप दूर कर पाएंगे? क्या मानते हैं इसकी समस्या है? अब कमियाँ जो भी हैं हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सभी जात धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर समरसता की नीति पर काम करूंगा, सबका साथ सबका विकास। विश्वनाथगंज विधानसभा 247 में